इंडियन टेलीविजन पर पहली बार पाकिस्तान और तालिबान का जिंदा सबूत हम दिखाने जा रहे हैं। सीधे ब्रेक करें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार पाक तालिबान के जिंदा सबूत, ऑपरेशन तालिबान ब्रेकिंग। टीवी 9 भारतवर्ष पर तालिबान के आतंकी एक्सपोज हो रहे हैं, तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तान में मिली ट्रेनिंग। ये अफगानिस्तान के सीक्रेट जेल से सुमित चौधरी की लाइव रिपोर्टिंग। पेशपन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत सरकार की ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, और जो सवाल मैं पहले भी उठा रही थी कि तालिबानी आतंकियों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने लश्कर गाह इलाके में 6 हवाई हमले किए, यूएस वायुसेना की एयर स्ट्राइक में दर्जनों तालिबानी आतंकी ढेर। इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान पर अफगान वायुसेना की एयर स्ट्राइक, तालिबान के अंडरग्राउंड ठिकाने को अफगानिस्तान एयरफोर्स ने उड़ाया, तालिबानी आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया एयर स्ट्राइक से। टीवी 9 भारतवर्ष के खुलासे पर भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बड़ा बयान, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, गृह राज्य मंत्री ने कहा है। टीवी 9 भारतवर्ष की यह साहसिक रिपोर्टिंग को सराहा है। अफगानिस्तान की सीक्रेट जेल का पाक कनेक्शन, आतंकियों को खुलासा, हमें पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली है, यहां पर दीजिए। पाकिस्तान से सवाल, क्या पाकिस्तान आर्मी ने दुनिया भर में आतंकियों को ट्रेन करने का जिम्मा उठा लिया है? नेक्स्ट, चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तालिबान से हम 6 से 7 साल से जुड़े, कुछ ने 10 साल भी बोला है, क्या पाकिस्तान 6 से 7 साल से तालिबान को ट्रेन कर रहा है? इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साक्षर नहीं है, अगर साक्षर भी है तो बहुत शिक्षित नहीं है, और उनके इसी भोलेपन का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और उनके हाथों में मजहब के नाम पर थमा दी बंदूक। टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ा आतंकी कबूलनामा, तालिबान के आतंकियों ने माना पाकिस्तान की सेना ने ट्रेनिंग दी। आतंकियों को जंग के लिए पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, गैर मुस्लिम के खिलाफ भड़काया जाता है पाकिस्तान में। चीन और पाकिस्तान पर उन्होंने अपरोक्ष इशारा किया और उन्होंने बताया कि इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन आप समझते हैं कि डिप्लोमेसी का तकाजा यही कहता है कि वहां कई बातें ऐसी कही जाती हैं जिसमें तात्पर्य एक्चुअली जो होता है वो बहुत तीखा होता है, लेकिन अमेरिका इसको कितनी संजीदगी से ले रहा है, वो क्या करेगा।